बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सएप बॉलीवुड। क्या बोरिंग हो गया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा? आखिर क्यों गिर रही है इस शो की TRP? वेल, इसके बारे में बात करते हुए शो में जेठालाल की भूमिका निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उनका मानना है कि शो अब एक फैक्ट्री बन गया है और लोगों को शो से वो नहीं मिल पा रहा जो वो चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल। सब टीवी का फेमस सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 12 सालों से ऑडियंस का प्यार पाने में सक्सेसफुल रहा है। इस सीरियल के किरदारों को लोग उनके असली नामों से शायद ही जाने, लेकिन शो में उनके किरदार के नाम से बखूबी पहचानते हैं। लेकिन अब एक बात जो हैरान कर देने वाली है वो ये है कि तारक मेहता की TRP रेटिंग्स गिरती जा रही है। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते की TRP में तो शो टॉप 5 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया। सीरियल के लीड एक्टर दिलीप जोशी उर्फ जेठालाल ने TRP गिरने को लेकर एक बड़ी बात कही है। उनका मानना है कि शो अब फैक्ट्री बन गया है, लोगों को अब वो नहीं मिल पा रहा जो वो देखना चाहते हैं। आपको बता दें, तारक मेहता ने हाल में ही अपने 3000 एपिसोड्स पूरे किए हैं। ऐसे में स्टैंड अप कॉमेडियन सौरभ पंत के साथ बातचीत में दिलीप जोशी उर्फ जेठालाल ने कहा, जब आप क्वांटिटी देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी सफर होती है। पहले हम हफ्ते में एक दिन शो करते थे और राइटर्स के पास बहुत टाइम होता था कि 4 एपिसोड लिखें, दूसरे 4 एपिसोड अगले महीने शूट करना है। अब ये लगभग फैक्ट्री हो गया है। अब राइटर्स को हर दिन नया सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है। आखिरकार वो भी तो इंसान ही है। मैं मानता हूँ कि जब आप इतने समय तक डेली शो करते हैं तो आप सभी एपिसोड्स एक ही लेवल के नहीं बना सकते। मुझे खुद को ये महसूस हुआ है कि कुछ एपिसोड्स हैं जो उस लेवल के नहीं थे। पर क्या आप दिलीप जोशी की इस बात से सहमत हैं? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।